हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। भारत को हमेशा से अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से जाना जाता है और ये आध्यात्मिक ज्ञान वैदिक शास्त्रों के अंदर दिए गए हैं। अनेक प्रकार के वैदिक शास्त्रों में से एक आम जनमानस के बीच में श्रीमद् भगवद गीता सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इस भगवद गीता के ज्ञान को एक आम नागरिक से लेकर विश्व के महान से महानतम बुद्धिजीवों ने इसे स्वीकार किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर महात्मा गांधी तक ने भगवद गीता के ज्ञान का लोहा माना है। पर मानव समाज में एक ऐसा समय भी आया जब एक पूरा देश, उसकी सरकारी मशीनरी, उसकी खुफिया एजेंसी, उसकी पुलिस, उसका सरकारी ढांचा, सब कुछ भगवद गीता के ज्ञान के विरुद्ध जाकर खड़ा हो जाता है। और यह करने वाला देश था रशियन फेडरेशन। तो भला ऐसा क्या हुआ कि एक किताब से पूरी रशियन गवर्नमेंट हिल गई? आज इस वीडियो में मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूं। ये बात 1980 के दशक की है जब हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभाव से रशिया के अंदर भगवद गीता एवं भागवत सनातन धर्म का प्रचार कार्य प्रारंभ हो चुका था। धीरे धीरे लोग रशिया में सनातन धर्म से जुड़ने लगे थे। उसी समय रशिया के दो युवक जिनकी अवस्था करीब 20 से 22 साल की थी, उनका नाम था सार्केस और गागिक, जो कि एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे। इन दोनों मित्रों की इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी और इंडियन नॉलेज में काफी ज्यादा रुचि थी। इनके लाइफ में बदलाव तब आता है जब भारत के एक सन्यासी द्वारा लिखी हुई भगवद गीता यथारूप इनको मिलती है। जब वो इस भगवद गीता को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, तो इन्हें संसार को देखने का एक नया विजन, एक नया परसेप्शन मिलता है। इनके मन के सारे संदेहों का, सारे प्रश्नों का इन्हें सटीक उत्तर मिलता है। यहां तक कि उनकी जो पुरानी बुरी आदतें थी, जैसे ड्रग्स लेना, मीट ईटिंग करना, इन सारी आदतों को उन्होंने छोड़ दिया। भगवद गीता के ज्ञान का महत्व समझने के बाद इन दोनों मित्रों ने भगवद गीता का प्रचार करने का प्रयास किया और यह आवश्यकता समझी कि भगवद गीता को पूरे रशिया में प्रचार करने की आवश्यकता है। चूंकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री था और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर आप किसी भी प्रकार के धर्म विशेष का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। फिर भी इन दोनों मित्रों ने भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता को समझने के बाद हर प्रकार के जोखिम को उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। रशिया में किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों की छपाई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसीलिए गार्गिक और सार्केस अपने हाथों से भगवद गीता को तैयार करते थे और खुद ही बांटने जाया करते थे। आए दिन किसी ना किसी भगवद गीता बांटने वाले भक्त का रशियन खुफिया एजेंसी KGB के साथ आमना सामना होता था। रशियन पुलिस भगवद गीता बांटने वाले लोगों को उठा लेती थी, इनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी, इनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करती थी। भगवद गीता बांटने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर ठूस दिया जाता था और भागने वाले व्यक्ति को गोली मार देने का भी आदेश दिया जा चुका था। इन तमाम प्रकार की कठिनाइयों एवं समस्याओं के बाद भी सार्केस और गागिक ने अपना प्रचार अभियान जारी रखा। और एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों मित्रों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस बार जेल के अंदर क्रूरता एवं निर्दयता की सारी हदों को लांघ दिया गया। इनके ऊपर अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार से शारीरिक यातनाएं दी गई, मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया गया, इनको मारा गया, इनको पीटा गया, यहां तक कि इनको जंगली कुत्तों से भी कटवाया गया, गर्म हीटरों से इनको जलाया गया, इनकी उंगलियों को दरवाजों के बीच में फंसाकर इनको फाड़ दिया गया। फिर भी जब पुलिस ने देखा कि गागिक और सार्केस टूटने वाले व्यक्ति नहीं है तो उन्हें लेबर कैंप के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं को कई गुना बढ़ा दिया गया। रशियन खुफिया एजेंसी इनसे किसी भी तरीके से यह जानना चाहती थी कि कौन है वो व्यक्ति जो भगवद गीता लेके आता है रशिया के अंदर। कहां से छापते हो, कितने लोग मिलकर बांटते हैं, कहां कहां जाते हो, क्या तुम्हारी प्लानिंग है? मिला जुला कर रशियन पुलिस और खुफिया एजेंसी सनातन एवं भागवत धर्म के प्रचार को पूर्ण रूप से बंद करना चाहती थी। पर गागिक और सार्केस भी भगवद गीता के ऊपर पूर्ण रूप से इनका विश्वास था, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से इनका विश्वास था, इसीलिए टूटने वाले व्यक्ति नहीं थे। अपने आप को हर प्रकार से असफल देखते हुए रशियन खुफिया एजेंसी KGB ने इन दोनों युवकों को मानसिक अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया, जहां पर इन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए अनेक प्रकार के इंजेक्शन दिए जाने लगे।
क्योंकि गार्गिक और सारकेस भागवत एवं सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, भगवद गीता की शिक्षा को मानने वाले लोग थे, इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। पर जेल के अंदर इनको किसी भी प्रकार का शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। अपने 2 वर्षों के कारावास के दौरान लगभग 730 दिनों तक इन्हें कोई भी शाकाहारी भोजन नहीं दिया गया, क्योंकि जेल के अंदर एक थर्ड क्वालिटी का ब्रेड दिया जाता था, इसके साथ मछली या कभी मछली का सूप, इस प्रकार के नॉनवेज फूड को दिया जाता था। इन दोनों मित्रों ने 2 साल सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खाकर अपना जीवन निर्वहन किया। ब्रेड के साथ ये उसके ऊपर थोड़ा नमक लगा के खाते थे ताकि ब्रेड को निगलने में आसानी हो। सारकेस अपने 2 वर्षों की कारावास को पूरा करने से करीब 26 दिन पहले ही खराब प्रकार के भोजन के मिलने की वजह से उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। उन्हें टीबी हो गया, उनके पेट में अनेक प्रकार की समस्याएं हो गई, जिसकी वजह से यातनाओं को सहते सहते उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। सारकेस जैसे करीब 50 से भी ज्यादा रशियन भक्तों को जेल के अंदर अनेक प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। कई गर्भवती महिलाओं के बच्चों की मृत्यु भी जेल के अंदर हो गई थी। इन सारे लोगों का सिर्फ एक ही कसूर था कि ये भगवान में विश्वास करते थे, ये भगवत गीता यथारूप को पढ़ना चाहते थे, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते थे और इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करना चाहते थे। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक एक करके भक्तों को छोड़ना पड़ा। तभी 1988 में काउंसिल फॉर रिलीजियस अफेयर ने मॉस्को के अंदर मॉस्को फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को रजिस्टर किया। अब रशिया के अंदर भागवत सनातन धर्म को, भगवद गीता की शिक्षा को कानूनन रूप से प्रैक्टिस किया जा सकता था। इसके बाद वर्ष 1991 में मॉस्को के अंदर एक वैदिक टेम्पल और एक कल्चरल सेंटर बनाने की बात शुरू हुई। रशियन गवर्नमेंट ने इस फैसले को मंजूर भी कर लिया और इसके लिए एक जमीन भी देने को तैयार हो गई। पर शायद कुछ लोगों को रशियन गवर्नमेंट का यह फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने रशियन गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वाले में द बिशप काउंसिल ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि भगवत गीता और सनातन धर्म को एक फॉल्स रिलीजन मानते थे, वो भगवत गीता के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाने लगे। ऑर्थोडॉक्स चर्च के दबाव में आकर रशियन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया जाता है जिसके तहत पूरे रशिया में सिर्फ क्रिश्चियनिटी एक प्री एमिनेंट रिलीजन है। इसके साथ साथ इस्लाम, जुडाइज्म और बुद्धिज्म को अनेक प्रकार की लीगल अथॉरिटीज दी गई। वहीं सनातन धर्म, जो विश्व के महान एवं प्राचीनतम धर्मों में से एक है, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार की विशेष लीगल राइट्स नहीं दिए गए। फिर भी भक्तों के प्रयास, उनके उत्साह और भगवान के आशीर्वाद की वजह से रशिया के अंदर धीरे धीरे सनातन धर्म का प्रचार कार्य होता रहा और 1990 के अंत तक पूरे रशिया के अंदर करीब 10,000 से भी ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग बन चुके थे, जो कि अपना जीवन भगवद गीता की शिक्षा पर जीना चाहते थे। धीरे धीरे सनातन धर्म की खूबसूरती को देखकर रशिया में पूरे जोर से इसका स्वागत किया जाने लगा, लोग इसको स्वीकार करने लगे। तभी वर्ष 2004 में रशियन गवर्नमेंट ने 1991 में दी जाने वाली जगह को वापस ले लिया। ये फैसला तब किया गया जब उस जगह पर ऑलरेडी एक मंदिर का निर्माण कार्य लगभग हो चुका था। इस प्रकार की दमनकारी नीति का जब विरोध किया गया तो रशिया के अंदर रहने वाले सनातन धर्मियों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक बार फिर से मंदिर निर्माण के लिए जगह देने की बात शुरू की गई। मंदिर निर्माण के सरकारी फैसले का विरोध करने के लिए एक बार फिर से ऑर्थोडॉक्स चर्च, इस्लाम और जेविश अथॉरिटी एक साथ आकर सनातन धर्म और भगवद गीता का विरोध करने लगे। मंदिरों के ऊपर अनेक प्रकार से आक्रमण होने लगे। रथ यात्रा, शोभा यात्रा के ऊपर अनेक प्रकार से आक्रमण हो रहे थे। भागवत गीता, सनातन धर्म के ऊपर अनेक प्रकार से षड्यंत्र होने लगे। Hare Jesus! Hare Jesus Christ! You want to see the fruit of your religion? Go to India. Oh, it's a horrible piece of real estate. यहाँ तक कि माताओं और बहनों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ भी अनेक प्रकार से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने रशियन गवर्नमेंट की दमनकारी नीतियों के बारे में लिखना शुरू किया, लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया, तब
अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रशियन गवर्नमेंट को एक बार फिर से मॉस्को के अंदर मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने के लिए तैयार होना ही पड़ा। धीरे धीरे परिस्थितियां फिर से सामान्य होने लगी, भगवद गीता का प्रचार जोरों शोरों से होने लगा। तभी वर्ष 2011 में एक अजीबोगरीब फैसला लिया गया। रशियन कोर्ट ने भगवद गीता के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। रशियन कोर्ट का यह प्रतिबंध सिर्फ भगवद गीता के ऊपर नहीं था, यह प्रतिबंध भारत के स्वाभिमान और भारत के प्रतिष्ठा के ऊपर था। इसीलिए भारत के संसद में भी इस मुद्दे के ऊपर जोरदार तरीके से बहस हुई और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पक्ष और विपक्ष दोनों दल ने एक साथ आकर रशियन गवर्नमेंट और रशियन कोर्ट के इस फैसले का जोरदार विरोध किया। भगवत गीता पर बैन लगाने के मुद्दे पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सभी पार्टियों के सांसदों ने भगवत गीता पर बैन लगाने की कोशिशों का विरोध किया। रूस में साइबेरिया की एक अदालत ने इस मामले में केस चल रहा है। गीता हमारा इतिहास है, विश्व को भी जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। और अंत में अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण और भारत के कूटनीतिक प्रयास की वजह से रशियन कोर्ट को अपना फैसला बदलना ही पड़ा और भगवद गीता यथारूप को एक पूर्ण प्रमाणिक शास्त्र के रूप में स्वीकार करना पड़ा। एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी हार नहीं सकता। धर्म विचलित हो सकता है, धर्म परेशान हो सकता है पर धर्म कभी हार नहीं सकता। जिस प्रकार आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के अंदर पांडवों और कौरवों के बीच में जीत अंततः धर्म और भगवद गीता की शिक्षा की हुई थी, उसी प्रकार से रशिया के अंदर भी अंत में जीत भगवद गीता और सनातन धर्म की हुई। पर ये जीत इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, इसके लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। तब जाकर रशिया के अंदर सनातन धर्म फैल रहा है, फूल रहा है, वहां पर लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। आज रशिया के हर शहर में आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे। वहां पर भागवत कथा, भगवत गीता पर प्रवचन, नगर संकीर्तन, शोभा यात्रा, प्रसाद वितरण, गुरुकुल एक आम बात हो चुकी है। वहां पर जन्माष्टमी फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, दीपावली, होली बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो भगवद गीता ने पूरे रशियन फेडरेशन को हिला के रख दिया। इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी लोग को अपना आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से रशियन लोगों ने भागवत एवं सनातन धर्म के प्रचार के लिए अपना त्याग, इतना त्याग और इतना बलिदान किया जो कि कभी भारत में पैदा नहीं हुए, कभी भारत में आए भी नहीं, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतने कष्टों को सहा, क्या हम वो करने को तैयार हैं? हमें अपना फेथ और डिटर्मिनेशन को क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम के ही भारतीय हों और आज जो मानसिक रूप से हम अंग्रेजों के गुलाम ही हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ये जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी इस बुक में है, इस बुक का नाम है सॉल्टेड ब्रेड। तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, इस किताब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। अंत में अगर आप भी भगवद गीता को पढ़ना चाहते हैं, इसे मंगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑनलाइन भगवद गीता को ऑर्डर करने का एक लिंक है, वहां पर जाकर आप भगवद गीता को मंगा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार से वीडियो को बनाते रहें तो आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहां पर हम भगवद गीता से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए जहां पर हम डेली भगवद गीता से रिलेटेड वैदिक कल्चर से लेकर हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।